أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السلام عليكم جناب، مجھے بتائیے گا آواز سکرین اور کیمرہ سب کو کلیئر ہے؟ وائس سکرین اینڈ کیمرہ مجھے فیڈ بیک دیجیے گا پلیز. शुरू करते हैं. हम लोगों ने चैप्टर टू एंड किया था लास्ट टाइम, और अब इसके हम लोगों ने क्वेश्चंस के ऊपर जाना. जी शुरू करते हैं क्वेश्चंस. अभी तक ऑटम 9 से लेके ऑटम 2023 तक 13 सवाल आईकैप ने पूछे, 13 क्वेश्चंस. तो डिस्कस करते हैं वन बाय वन. अब बी लॉ के अंदर ना तीन तरह के सवाल होते हैं. नंबर वन, प्योर स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल, जिस तरह अभी हम देखते हैं. तो ये क्वेश्चंस अगर आप गौर करें तो ऑटम 11 बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक सवाल है कि भाई एक्सेप्टेंस को डिफाइन करते हैं, और एक एक्सेप्टेंस कब वैलिड एक्सेप्टेंस मानी जाती है ये बताता है, यानी कि वो एसेंशियल्स पूछ रहा है ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस. इसी तरह ऊपर टाइम लिमिट की बात कर रहा है कि कब तक हम प्रपोजल को रिवोक नहीं कर सकते, ऑन व्हाट ग्राउंड्स अ प्रपोजल स्टैंड्स रिवोक. तो ये सवाल इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड भी आईकैप टेस्ट करता है इस चैप्टर में से. एंड देन देयर इज सेकंड कैटेगरी. सेकंड कैटेगरी इज सेमी लॉजिकल सवाल, जिसके ऊपर तो आपको एक केस स्टडी दी जाएगी, कुछ लाइनों में कुछ कहानियां सुनाई जाएंगी, मगर जब आप उसकी रिक्वायरमेंट देखेंगे तो वो रिक्वायरमेंट बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी. जैसे ऊपर एक सवाल है, दो लाइनों में उसने एक कहानी सुनाई है, और नीचे कहकर बताएं कि ऊपर वाला एरिया, जो ऊपर वाली कहानी है, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है या नहीं बनता. तो आइए शुरू करते हैं. थर्ड टाइप भी है, थर्ड टाइप इज प्योर केस स्टडी, जो कि आप यहां पर देख रहे हैं, जिस तरह ये सवाल है सलीम और गाजी वाला. तो इसके ऊपर भी बात करते हैं, एंड वी विल बी डिस्कसिंग एवरी क्वेश्चन वन बाय वन इन डिटेल फ्रॉम ऑटम 9 टू ऑटम 2023. सॉल्व कैसे करना है, प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, आईकेएम एग्जाम में इसको अप्रोच कैसे करना है, सारी बातें करते हैं. आइए शुरू करते हैं. ऑटम 11 पहला सवाल जो आईकेएम ने किया, दैट इज डिफाइन करें एक्सेप्टेंस को और बताएं कि एक एक्सेप्टेंस कब वैलिड मानी जाती है. एक एक्सेप्टेंस कब वैलिड मानी जाती है, इसका मतलब है कि वो आपसे एक सवाल में दो मजे पूछ रहा है, दो बातें पूछ रहा है, यानी कि एक सवाल दो मजे. एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन वो क्या थी, व्हेन द पर्सन टू हूम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट, देयरफॉर द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड. तो ये डेफिनेशन आपने आप लिख देनी, और उसके साथ आपने उसके एसेंशियल बताने हैं कि कब एक एक्सेप्टेंस वैलिड मानी जाएगी. तो आप लिखेंगे, एन एक्सेप्टेंस इज कंसिडर्ड वैलिड व्हेन द फॉलोइंग एसेंशियल्स आर मेट. और वो कौन से हैं, वो आपको बताया, एब्सोल्यूट होने चाहिए, अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, अनकंडीशनल होनी चाहिए, टाइमली कम्युनिकेशन वाली बात आप लोगों ने करनी है. तो वो जितनी बातें एसेंशियल्स में आप लोगों ने पढ़ी थी, वो सारी की सारी आपने यहाँ पे उठा के कॉपी पेस्ट कर देनी है. तो इस तरीके से आप 7 नंबर में से 5-6 नंबर हासिल कर सकते हैं. जो नंबर कटेंगे, दैट कैन बी बिकॉज ऑफ योर राइटिंग, शायद आपको लफ्ज आगे पीछे कर दें, शायद आप कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दें, तब आपके मार्क्स कट जाएं. बट अगर आपने बिल्कुल ही एग्जैक्ट लिखा है, टू द पॉइंट लिखा है, 100% एक्यूरेट लिखा है, तो फिर यहाँ पे कटिंग उस तरीके से नहीं होती, पर आपको पूरे मार्क्स भी मिल सकते हैं. तो जो एक मिथ होती है ना कि थ्योरी में पूरे नंबर नहीं आते, तो थ्योरी में मार्क्स मिलते हैं, बशर्ते कि आपने बिल्कुल एग्जैक्ट अच्छी अच्छे अल्फाज के साथ अपने आंसर को बनाया हो. सेकंड क्वेश्चन इज बेसिकली पार्ट ए एंड पार्ट बी, स्प्रिंग 12 में आया था. वो कहता है, हाउ एंड ऑन व्हाट ग्राउंड्स अ प्रपोजल स्टैंड्स रिवोक्ड, और नीचे वो कहता है कि व्हाट इज द टाइम लिमिट आफ्टर विच अ प्रपोजल कैन नॉट बी रिवोक्ड.
हाउ एंड ऑन व्हाट ग्राउंड्स अ प्रपोजल स्टैंड्स रिवोक्ड। तो भाई एक प्रपोजल कब रिवोक की जा सकती है, एक प्रपोजल को हम कब रिवोक कर सकते हैं। सर एक प्रपोजल को उस वक्त रिवोक किया जा सकता है, बेसिकली ये लैप्स ऑफ ऑफर की बात कर रहा है, जब आप एक्सेप्टेंस से पहले पहले अपनी रेवोकेशन दे दें। अगर कोई टाइम उसके अंदर आपने प्रिस्क्राइब किया है, तो या तो टाइम वाली बात, वो डेथ वाली बात यहां पर आ जाएगी, डेथ इंसैनिटी वाली बात, फुलफिल कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, एक्सप्रेस रिजेक्शन हो गई, तो वो जो प्रपोजल है इट स्टैंड्स रिवोक्ड। तो ये जो लैप्स ऑफ ऑफर में आपने सारी बातें पढ़ी थी, यहां पे आपने सारी बातें 4 नंबरों के लिए मेंशन कर देनी है, और कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने हेडिंग देनी है रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल या लैप्स ऑफ प्रपोजल या लैप्स ऑफ ऑफर। तो आप लिखेंगे ऑन फॉलोइंग ग्राउंड्स प्रपोजल में स्टैंड्स रिवोक्ड, तो नीचे आपने वो सारी बातें कर देनी। और जो पार्ट बी है वो कहता है कि सर टाइम लिमिट बता दें, तो सर टाइम लिमिट क्या है, एक्सेप्टेंस से पहले पहले, एक्सेप्टेंस से पहले पहले। अ प्रपोजल कैन नॉट बी रिवोक्ड आफ्टर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजल। तो यहां पे क्या लिखेंगे बेसिकली, अगर मैं आपको स्लाइड से दिखाऊं तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, यहां पर आप लिखेंगे ये वाली बात, ये तो अगर ऑफर की बात पूछी गई तो ऑफर की बात, और अगर प्रपोजल की बात पूछी गई तो प्रपोजल की बात, किसने क्या पूछा है, प्रपोजल। तो ये ऊपर वाली जो 3 लाइनें हैं ये आपने यहां पे मेंशन कर दी, और अगर एक्सेप्टेंस की बात है तो नीचे एक्सेप्टेंस, तो ये आप कमाइंड करके भी लिख सकते हैं। ओके बिलॉग के अंदर ना खूबसूरती पता क्या है, कि आपने उसको एग्जैक्टली क्रैप नहीं करना। अगर आप लिख सकते हैं ना अपने अल्फाज में लिख सकते हैं, तो ये कभी नहीं करना कि जनाब किताब पकड़ के रटी जा रहे हैं रटी जा रहे हैं रटी जा रहे हैं, नहीं, अपने अल्फाज में लिखना सीखे, शुरू से ही आदत बना लें कि भाई ये तो मुझे अपने वर्डिंग्स में लेके चलना है, मगर जो आप अल्फाज यूज करें फिर वो अल्फाज भी सही होने चाहिए, उन अल्फाजों में कोई मसला ना हो, उन अल्फाज में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। अच्छा जी, क्वेश्चन 3B ऑर्डर 15, मुराद ऑफर्ड इज कार टू सनम, मुराद ऑफरर बन गया, सनम ऑफरी बन गई, गाड़ी है और 4 लाख है, यानी कि एक को गाड़ी मिलेगी और एक को पैसे मिलेंगे, मुराद को पैसे मिलेंगे सनम को गाड़ी मिल जाएगी, सनम ने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया एंड एनक्लोज अ पे ऑर्डर ऑफ ₹150,000, और एक पे ऑर्डर भेज दिया, एक चेक भेज दिया 1.5 लाख रुपए का, और साथ प्रॉमिस कर दिया कि मैं बाकी के पैसे ₹62,500 के हिसाब से मंथली इंस्टॉलमेंट्स में आपको पे कर दूंगी। बताइए क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना है या नहीं बना, बताइए क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना है या नहीं बना। अब आपको पता है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, जब एक सही ऑफर, सही एक्सेप्टेंस हो, कंसिडरेशन हो, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज हो, वो जितने हमने इंग्रेडिएंट्स डिफाइन किए थे वो सारे पूरे होने चाहिए। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में ये हो रहा है कि एक ऑफर तो हुई है, मगर एक्सेप्टेंस वाले ने या एक्सेप्टेंस वाली ने क्या किया है, अपनी तरफ से कंडीशंस ऐड कर दी, ऐसी कंडीशंस ऐड कर दी हैं जो कि ऑफरर ने कहीं भी नहीं थी, यानी कि ऑफरर ने जब अपनी गाड़ी बेचने की ऑफर की है तो डेफिनेटली ही वाज ऑफ द व्यू कि भाई मुझे इसके पूरे पैसे मिलेंगे, मगर दूसरी पार्टी ने पूरे पैसे लेना मुनासिब नहीं समझा, उसने कहा कि मैं तो किस्तों वाली हूं, मैं तो उसको किस्त के ऊपर एक्सेप्टेंस दूंगी अपनी, और उसने खुद ही खुद से किस्तें भी बना के डिसाइड कर दिया। तो इस तरह की एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाती, इस तरह की एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट नहीं मानी जाएगी, बिकॉज इसने अपने पास से इसमें कंडीशंस ऐड कर दी, अपने पास से ही टर्म्स ऐड कर दी, तो ऑफर तो एक्सेप्ट हो गई है
मगर वेरिएशंस के साथ। ऑफर तो कबूल हो गई है मगर वेरिएशंस के साथ, हम उसको क्या कहेंगे? ऐसी एक्सेप्टेंस को कहा जाता है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। तो देयरफॉर ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, ये बात एक दिन। अच्छा फिर आप ये भी लिखेंगे कि अगर मुराद इंसिस्ट नहीं करता, अगर मुराद इंसिस्ट नहीं करता और ये जो उसने काउंटर ऑफर दी है ये खामोशी से कबूल कर लेता है, साइलेंट रह जाता है, ज्यादा इंसिस्ट नहीं करता कि भाई नहीं जैसे कहा है वैसे करो, अगर ये पे ऑर्डर कबूल कर ले, शर्तें उसकी मान ले, तो इसका मतलब है कि अब ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। क्योंकि बेसिकली क्या हुआ, मुराद ऑफरर था, वो ऑफरी थी, मुराद ने ऑफर किया, उसने एक्सेप्ट किया मगर काउंटर के साथ, तो अब वो ऑफरर बन गया, ये ऑफरी बन गया, मगर ये ऑफरी मान ले, यानी कि मुराद जब ऑफरी बन जाएगा उसके काउंटर के बाद अगर ये मान ले उसकी ऑफर किस्तों के साथ, तो फिर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाए। तो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस क्यों होती है? जब काउंटर ऑफर हो रहा होता है और काउंटर ऑफर के अंदर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो जाती है, तो जब पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो रही है इट मीन्स कि अगर दूसरी पार्टी अब जो नई वाली ऑफरी है वो कबूल कर ले तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, और अगर वो कबूल ना करें तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो ये पहले चार सवाल हम लोगों ने देखे। अच्छा ऊपर वाले सवाल को आपने आंसर कैसे करना है, सबसे पहले आपने देखना है कि वो लॉ कौन सा टेस्ट करने जा रहा है, कौन सी प्रोविजन टेस्ट कर रहा है। बेसिकली वो कंडीशनल वाली बात टेस्ट कर रहा था कि एक्सेप्टेंस अनकंडीशनल होनी चाहिए। तो पहले आपने क्या करना है, आपने दो तीन लाइनों में या चार पांच लाइनों में लॉ को एक्सप्लेन कर देना है, लॉ लॉ को एक्सप्लेन कर देना है, एल स्टैंड्स फॉर लॉ। दूसरा बात आपने ये करनी है कि आपने नीचे सिनेरियो को एक्सप्लेन करना है, ई फॉर एक्सप्लेनेशन। आपने बताना है कि सवाल में चल क्या रहा है, उसको आसान अल्फाज में लिख देना है। एंड देन थर्ड, थर्ड इज डिसीजन, डी। तो ये LED बनता है। अब डिसीजन में आप बताएंगे कि क्या ये बाकी में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना या नहीं बना, तो आपने इसमें दोनों बातें लिखनी है। वैसे तो नहीं बना, क्यों? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस आ गई है, बट अगर काउंटर ऑफर के बदले में ऑफरी जो नई वाला है वो मान जाए तो फिर ये बन सकता है, फिर कोई मसले वाली बात नहीं है। तो ये चार सवाल हम लोगों ने भी डिस्कस किए। ओके इसी तरह अगर मैं ऑटम 17 की बात करूं तो बड़ा खूबसूरत एक और सवाल उसने किया कि भाई लिस्ट डाउन द एसेंशियल ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस, लिस्ट डाउन द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस, चार नंबर के लिए पूछ लिया। इसका मतलब है कि ये सवाल फिर से रिपीट हो गया जो उसने ऑटम 11 में अलग से 5 नंबरों के लिए टेस्ट किया था कि एक एक्सेप्टेंस कब वैलिड मानी जाती है, तो यही उसने एसेंशियल्स पूछ ली हैं ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस। तो 4 नंबर के लिए सेम सवाल रिपीट कर दिया। S16 देखते हैं। बदर हु इज द ओनर ऑफ मशहूर एसोसिएट्स सेंट वन ऑफ हिज एम्प्लॉयज आफ्ताब इन सर्च ऑफ हिज पेट हॉर्स विच हैड बीन मिसिंग फॉर 5 डेज। बदर जो कि ओनर है एक कंपनी का या एक पार्टनरशिप का व्हाट्सएवर, उसने अपने एक एम्प्लॉय को भेजा है, एम्प्लॉय का नाम है आफ्ताब। क्यों भेजा है कि जाओ और जाके मेरा पालतू घोड़ा ढूंढ के लाओ जो कि मिसिंग है 5 दिनों से। बदर ने अखबार में इश्तेहार भी दे दिया कि जो कोई मेरा पालतू घोड़ा ढूंढ के लाएगा मैं उसको 20,000 रुपया बतौर इनाम दूंगा, जो कोई ढूंढ के लाएगा, एनी वन। इसका मतलब है कि ये जनरल ऑफर है, स्पेसिफिक नहीं है, जनरल ऑफर है। तो जनरल ऑफर कम्युनिकेट भी तो होनी चाहिए थी, चाहे वो स्पेसिफिक हो चाहे वो जनरल हो, उसकी कम्युनिकेशन जरूरी होती है। क्या दूसरी पार्टी जिसने एक्सेप्ट किया, हम लोगों ने पढ़ा था कि उसको अवेयर भी होना चाहिए। नीचे वो कहता है आफ्ताब अन अवेयर ऑफ द न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, यानी कि आफ्ताब तक ये कम्युनिकेशन नहीं पहुंची, ही वाज अन अवेयर, टोटली अन अवेयर। उसको घोड़ा मिल गया और उसको क्लेम के बारे में पता ही नहीं था, उसने घोड़ा लाके वापस कर दिया, बदर को दे दिया कि भाई ये रहा तुम्हारा घोड़ा, ये मुझे मिल गया। इसका मतलब है कि वो 20,000 रुपये वाली बात उस तक पहुंची नहीं, ही वॉज नॉट अवेयर। बताइए क्या आफ्ताब ये अमाउंट 20,000 रुपए की क्लेम कर सकता है या नहीं कर सकता? जी
क्या वो अवेयर हुआ? वो अवेयर नहीं हुआ, वो अवेयर बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो आफ्ताब ये अमाउंट कभी भी क्लेम नहीं कर पाएगा, बिकॉज देर वॉज लैक ऑफ कम्युनिकेशन, बिकॉज देर इज लैक ऑफ कम्युनिकेशन। उसको पता ही नहीं था रिवॉर्ड के बारे में, और जब उसने घोड़ा तलाश किया तो वैसे फ्री में कर दिया, क्योंकि अगर आप गौर करें तो वो उसका एम्प्लॉय है, और आप अपने एम्प्लॉय से कोई भी काम करवा सकते हैं, आप अपने एम्प्लॉय से कोई भी काम ले सकते हैं। तो अगर एक एम्प्लॉय को भेजा है तो उसके लिए स्पेसिफिक कंसिडरेशन उसको देना जरूरी नहीं है, शायद उसकी सैलरी का पार्ट है, तो उसको अलग से क्लेम ये वाला शायद ना मिले कि उसको ये बात कम्युनिकेट ही नहीं हुई। हाँ, अगर वो अवेयर होता, अगर उसको पता चल जाता, फिर वो ढूंढ के तलाश करके ला देता, तो डेफिनेटली वो अमाउंट क्लेम कर सकता था, वो अमाउंट उस वक्त क्लेम कर सकता था। तो ये आपने यहां पे मेंशन करना था फॉर फोर नंबर्स। अगेन, सबसे पहले आपने लॉ लिखना, लॉ क्या कहता है, उसके बाद सिनेरियो बताएं। लॉ में कौन सी बात आएगी? अवेयरनेस वाली बात आएगी, उसके बाद सिनेरियो, सिनेरियो के बाद नीचे आपने उसको अपना डिसीजन बताना है। सलीम और गाजी, ये उसी टाइमलाइन से इन्होंने सवाल निकाला जो कि हमने लास्ट दिन क्लास के अंदर भी डिस्कस किया था। हो ये रहा है कि 3 सितंबर वाले दिन, अगर मैं इसको बनाऊं आपके लिए तो जी, हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि सलीम है और एक तरफ गाजी है, और एक तरफ गाजी है और एक तरफ सलीम। 3 सितंबर को, 3 सितंबर को सलीम ने खत लिखा, क्योंकि गाजी को पहुंचा है 5 तारीख, गाजी को पहुंचा है 5 तारीख को। 6 सितंबर पे गाजी ने उस ऑफर की एक्सेप्टेंस कर दी जो कि उस बंदे को मिली है 8 तारीख, कब मिली है? 8 तारीख को मिली है। सोच के बताइए ऑफर कब कम्युनिकेट हो रही है, 3 तारीख को, 5 तारीख को या 6 तारीख? आपके ख्याल से ऑफर की जो कम्युनिकेशन डेट है इस सवाल में वो क्या है? सोचें जरा, 3 है, 5 है या 6 है या 8 है? आपके नजदीक क्या डेट है? ऑफर पूरी हो रही है 5 तारीख को, ऑफर कम्युनिकेट कब हो रही है? 5 तारीख को हो रही है। कब? जब उसकी नॉलेज में वो चीज आ रही है। अच्छा, अब जरा बात कर लेते हैं एक्सेप्टेंस की। तो हम लोगों ने जो रूल पढ़ा था कल, वो ये था कि जिसके हाथ में खत होगा वो नहीं, दूसरी पार्टी बाउंड होगी। तो 6 तारीख को, 6 तारीख को भाई साहब ने एक्सेप्टेंस का खत रवाना किया, तो कौन बाउंड हो गया? एस। कौन बाउंड हो गया? एस। और जब एस को खत मिला तो कौन बाउंड हो गया? जी। तो जरा सोच के बताइए एस के नजदीक एक्सेप्टेंस कब हो रही है? 6 तारीख को, और जी के नजदीक एक्सेप्टेंस कब हो रही है? 8 तारीख। याद करें, हम लोगों ने कहा था कि जब हम लोगों ने एक्सेप्टेंस की बात की थी तो इसकी कम्युनिकेशन में 2 डेट्स आनी चाहिए। तो जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है वो सलीम के अगेंस्ट का पूरी हो रही है, जब लेटर पोस्ट हुआ, दैट इज 6 सितंबर, और गाजी के करीब कब हो रही है? जब उसको मिल गया, सलीम को मिल गया, दैट इज 8 सितंबर, दैट इज 8 सितंबर। तो व्हेन द कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ये बात हम लोगों ने डिस्कस कर ली। सिंपल सा सवाल है। आगे वो पूछ रहा है, बताइए रेवोकेशन ऑफ द ऑफर कब पूरी हो सकती है सलीम के अगेंस्ट? आगे नहीं पढ़ना अभी तक हम लोगों ने, ये आगे नहीं पढ़ा, यहां से नहीं पढ़ा। सोच के बताइए कब हम ऑफर को रिवोक कर सकते हैं, ऑफर की रिवोकेशन कब तक हो सकती है एक्सेप्टेंस से पहले पहले? तो एक्सेप्टेंस कब हो रही है? एक्सेप्टेंस कब हो रही है? एक्सेप्टेंस हो रही है 6 तारीख को।
सलीम के लिए एक्सेप्टेंस कब हो रही है? 6 तारीख जी, एक्सेप्टेंस हो रही है 6 तारीख को। इसका मतलब ये है कि एक्सेप्टेंस 6 को हो गई है, ये ऑफर रिवोक हो सकती है 6 से पहले पहले, ये ऑफर रिवोक हो सकती है 6 से पहले पहले। और उन्होंने लेटर कब भेजा है? 5 तारीख को, जो कि मिला है 7 तारीख को। रेवोकेशन का खत कब मिला है? 7 तारीख को। तो ये एक्सेप्टेंस अब वैलिड है, अभी एक्सेप्टेंस को आप रिवोक नहीं कर सकते, ये वैलिड है, अब आप इसको रिवोक नहीं कर सकते। देयरफॉर अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन क्रिएटेड, एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। अच्छा, रेवोकेशन ऑफ ऑफर सलीम के अगेंस्ट कब होगी? जब उसने खत डाला सलीम के अगेंस्ट, सॉरी हाँ जी, सलीम के अगेंस्ट कब होगी? जब उसने खत डाला, तो वो डाला है 5 तारीख को। और गाजी के लिए कब होगी? 7 तारीख को। तो हमारे लिए जो असल डेट है, दैट इज 7 सितंबर। तो ये सवाल आप लोगों ने सॉल्व करना था फ्रॉम दैट टाइमलाइन। जी ओके, नेक्स्ट वी हैव टू मोर क्वेश्चंस, स्प्रिंग 19 एंड स्प्रिंग 20। अगर आप स्प्रिंग 20 को गौर से देखें, तो ये वही सवाल है जिस तरह अभी हम लोगों ने सनम और मुराद वाला किया था। बस फर्क ये है कि वहां पे गाड़ी थी, यहाँ पे उसने फ्लैट कर दिया है। वहां पे हर किस्त 62,500 की थी, यहाँ पे हर किस्त 1,12,500 रुपए की है। वहां पे गाड़ी थी, यहाँ पे फ्लैट है। एग्जैक्टली सेम सवाल है, बिल्कुल सेम कॉपी पे सवाल है। तो इसको उसी पैटर्न पे आप लोगों ने सॉल्व करना है, पहले लॉ लिखना है, उसके बाद आप सिनेरियो को एक्सप्लेन करेंगे, एंड देन यू विल बी आंसरिंग द डिसीजन। तो LED, LED, लॉ एक्सप्लेनेशन और डिसीजन, ये अटेम्प्ट वैसे ही होगा जैसे इससे पहले हुआ। स्प्रिंग 19 क्वेश्चन बहुत मजे का, क्योंकि ये स्पेसिफिक टारगेट कर रहा है इनविटेशन टू ऑफर को। ये स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट जो टेस्ट करने जा रहा है इस सवाल में, दैट इज इनविटेशन टू एन ऑफर वर्सेस ऑफर। तो कब हम कहेंगे ऑफर हुई है, कब हम कहेंगे इनविटेशन टू एन ऑफर है, ये चीज ये सवाल डिस्कस करता है। आइए देखते हैं। अहमद बीइंग इंटरेस्टेड इन परचेजिंग आदिल्स DHA प्रॉपर्टी, अहमद भाई इंटरेस्टेड हैं कि वो आदिल की DHA वाली प्रॉपर्टी को परचेज करना चाहते हैं। उन्होंने एक लेटर लिखा है 1 मार्च 2019 को, और लेटर में बताया कि भाई आई हैव हर्ड, मैंने सुना है कि तुम अपनी DHA वाली प्रॉपर्टी बेच रहे हो। आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन परचेजिंग इट, मुझे बहुत शौक है, मैं ये परचेज करना चाहता हूं। विल यू प्लीज कंसिडर द सेलिंग द सेम टू मी, और अभी तक तुम्हें क्या हाईएस्ट प्राइस ऑफर हुई है? क्या हम इसको ऑफर कहेंगे? नहीं, ये ऑफर नहीं है, ये इनविटेशन टू एन ऑफर है। बेसिकली ये इंफॉर्मेशन डिमांड की जा रही है, ये इंफॉर्मेशन डिमांड की जा रही है कि बताओ क्या तुम मुझे ये चीज इस तरीके से बेचोगे या नहीं बेचोगे। आदिल ने रिप्लाई किया, द हाइएस्ट कोट फॉर द प्रॉपर्टी टिल नाउ इज 35 मिलियन। अभी तक जो मुझे हाइएस्ट कोट लगा है, ये 35 मिलियन का लगा है। बेसिकली ये भी ऑफर नहीं है। ये ऑफर क्यों नहीं है? क्योंकि उसने सिर्फ उसके सवाल का जवाब दिया। हमने कहा था ऑफर सर्टन होनी चाहिए, डेफिनेट होनी चाहिए, और एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट हो और अनकंडीशनल हो। तो अभी तक कोई ऑफर नहीं हुई, कोई एक्सेप्टेंस नहीं हुई, सिर्फ इंफॉर्मेशन का ही एक्सचेंज चल रहा है। मगर अब एक चीज हो गई है, हाइएस्ट कोट का पता चल गया। अहमद रिप्लाइड, यानी कि पहली पार्टी ने फिर से रिप्लाई किया, आई एग्री टू बाय योर DHA प्रॉपर्टी फॉर 36 मिलियन। इसको हम ऑफर कह सकते। अब ये ऑफर है,
सेकंड लेटर जो उसने भेजा है ना कि भाई मैं एग्री करता हूं कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी खरीदूंगा, डीएचए वाली प्रॉपर्टी खरीदूंगा 36 मिलियन की, ये ऑफर है, ये फर्स्ट टाइम ऑफर गई है। सब्सिक्वेंटली आदिल को हामिद की तरफ से एक और कोटेशन आई जिसमें 38 मिलियन उसने प्रपोज किया प्रॉपर्टी का और उसने उसको बेच दी। बताइए क्या आदिल की लायबिलिटी है टुवर्ड्स अहमद? क्या ये ऑफर कभी एक्सेप्ट हुई थी? नहीं, ये ऑफर कभी भी एक्सेप्ट नहीं हुई। जो अहमद ने 36 मिलियन के साथ अपनी ऑफर की थी, दूसरी पार्टी ने कभी भी वो कबूल नहीं की। और ये कोई स्पेसिफिक ऑफर भी नहीं है कि सिर्फ उसने अहमद को ही की हो, ये तो जनरल ऑफर है। अहमद भी कह रहा है, हामिद भी कह रहा है, कोई और बंदा भी कह रहा होगा। तो चूंकि ये जनरल ऑफर है, सिर्फ और सिर्फ अहमद के लिए नहीं थी, और एक्सेप्टेंस तो उसने दी नहीं, देयरफॉर कोई लायबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। क्यों? कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कोई बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट इस केस में बना ही नहीं। नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, कुछ भी बाइंड नहीं हो रहा यहां पे। आगे चलते हैं सर जी, फिर से वही सवाल, लिस्ट डाउन द एसेंशियल्स ऑटम 20 में। भाई साहब ने फिर से सवाल को रिपीट कर लिया। और अगर आप इसका बी पार्ट देखें ना, तो पहले घोड़ा घुमा था, अब बेटा घूम गया। पहले पालतू घोड़ा घुमा था, अब बेटा घूम गया है, और बेटे को ढूंढने के लिए 25,000 रुपया। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट वही सवाल है मशहूर एसोसिएट्स वाला, सलमान और बदर वाला। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन विद इवन एग्जैक्टली सेम मार्क्स। तो ये मैं कहूंगा दिस इज अ रिपीट। तो अगर आप दोनों में से कोई भी एक सवाल सॉल्व कर लें, दैट वुड बी सफिशिएंट। और अगर आप मजीद गौर करें ना, तो स्प्रिंग 12 का पार्ट ए और पार्ट बी जोड़ के ऑटम 22 का देन ए बना दिए। Identify how and on what grounds a proposal stands revoked and time frame. ये exactly same सवाल है, फर्क ये कि वो जोड़ के 6 नंबर शायद बनते हैं, 7 बनते हैं, मगर यहाँ पे उसने 5 नंबरों के लिए वही चीज, वही कॉन्सेप्ट टेस्ट की। अब दो रिसेंट पेपर देख लेते हैं। S22 ब्रोमीन फिल्टर्स। अच्छा जी, HL एक कस्टमर है, वो ब्रोमीन वालों के पास गया कि उसने 5 टीवी सेट्स खरीदने हैं। बीटी ने एग्री किया कि वो सप्लाई कर देगा 5 सेट्स, कब करेगा? 6 मार्च को, और डिस्काउंट भी अवेलेबल है, या 10% या 15% ऑन रिटेल प्राइस, जो कि फाइनलाइज होगी डिलीवरी के टाइम। जब डिलीवरी हुई तो एचएल ने कहा कि भाई 15% की डिस्काउंट चाहिए। बीटी ने कहा सॉरी, हम 15 की डिस्काउंट नहीं दे सकते, हम आपको 10 की दे रहे हैं। बहस शुरू हो गई। बताइए क्या कोई ब्रीच हुआ है या नहीं हुआ? क्या एचएल बीटी वालों को लायबल करार देगा या नहीं देगा? आपको याद हो, ऑफर एब्सोल्यूट होनी चाहिए, सर्टन होनी चाहिए, डेफिनेट होनी चाहिए। क्या यहाँ पे प्राइस सर्टेनिटी के साथ या डेफिनेट मेजर्स के साथ मेजर की जा सकती है? नहीं, क्योंकि प्राइस तय ही नहीं हुई थी, प्राइस अभी भी अनसर्टन थी, और टेक्निकली ये कॉन्ट्रैक्ट कभी हुआ ही नहीं था, टेक्निकली ये कॉन्ट्रैक्ट कभी हुआ ही नहीं था। तो इस केस में आप उसको लायबल करार ही नहीं दे सकते, कोई ब्रीच नहीं है, ये वॉइड है। ये क्या है? ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, नो ब्रीच, किसी भी तरह की कोई ब्रीच नहीं, क्योंकि तो प्राइस सर्टन है, आपने प्राइस को सर्टेनिटी के साथ मैयर किया ही नहीं। ये देख लेते हैं ऑटम 23 को। एलसी रिसीव एन ऑफर टू एक्सपोर्ट 50,000 बैग ऑफ सीमेंट टू यूरोप। एलसी ने एक ऑफर रिसीव की है,
तो वो एक्सपोर्ट करेंगे 50,000 बैग सीमेंट के यूरोप। एज पर द ऑफर एलसी इज रिक्वायर्ड टू सेंड टू सैंपल सीमेंट्स टू द कस्टमर। ऑफर में ये लिखा हुआ है कि भाई आप मुझे दो सैंपल के ऊपर दो बैग्स भेजेंगे। याद है हमने कहा था कंडीशनल हो सकती है, तो ये कंडीशन ऐड कर दी है। एलसी प्रोडक्शन टीम इज कैरिंग आउट अ डिटेल्ड फिजिबिलिटी चेक व्हाइल इट्स हेड ऑफ सेल इज एग्रेसिवली पुशिंग फॉर द ऑफर एक्सेप्टेंस टू बी सेंड इमीडिएटली अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आइडेंटिफाई द पॉसिबल सिचुएशंस इन विच ऑफर वुड बी रिवोक्ड। मजे की बात यह है कि ऊपर वाले सवाल का, ऊपर वाले सिनेरियो का सवाल के साथ तो सर पैर ही नहीं जुड़ रहा। ऊपर की कहानी क्या है? ऊपर की कहानी ये है कि एक एक्सपोर्ट का ऑर्डर है 50,000 बैग्स का, दो सैंपल में बैग्स मांगे हैं। तो एक डिपार्टमेंट कुछ और काम कर, एक डिपार्टमेंट कुछ और काम कर रहा है, तो बताइए कब कब ऑफर रिवोक की जा सकती है। तो टेक्निकली रेवोकेशन पूछ रहा है। अगर मैं इस सारा सवाल काट दू ना ऊपर से, तो क्या बचेगा मेरे पास? बताइए ऑफर को हम कब कब रिवोक कर सकते हैं। तो टेक्निकली ये फिर से लैप्स ऑफ ऑफर पूछा गया। तो ये सवाल लैप्स ऑफ ऑफर सेकंड टाइम गवर्नमेंट पूछा उसने। तो इस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो गिने चुने हैं। फर्स्ट पेज के ऊपर अगर मैं आपको याद करवाऊं, फर्स्ट पेज के ऊपर कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। जस्ट आपको पता होना चाहिए कि ऑफर एक्सेप्टेंस प्रॉमिस एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब कब बनते हैं। जब आप नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो आपको मिलता है एसेंशियल्स ऑफ ऑफर, वो इम्पोर्टेंट है। ऑल्दो अभी तक आए कि आपने एसेंशियल्स ऑफ ऑफर टेस्ट नहीं किए, मगर शायद कभी कर लें। उसके बाद नीचे आपको मिलता है लैप्स, तो ये दो दफा कर लिया। एक्सेप्टेंस कब कब वैलिड होती है उसको डिफाइन कर रही है, 3 4 दफा पूछ चुका है। रेवोकेशन वाली बातें कर चुके हैं, बस खत्म। चैप्टर में है ही कुछ नहीं। या इनविटेशन टू एन ऑफर के बारे में पूछ सकता है, या काउंटर ऑफर के बारे में पूछ सकता है, और उसके पास टेस्टेबल एरिया ही नहीं, या वो अवेयरनेस वाली बात उसने दो दफा टेस्ट कर ली है। तकरीबन सेम सवाल बना, एक में घोड़ा था एक में बेटा था। तो दिस इज चैप्टर टू, स्वीट एंड सिंपल। यहां से 3 नंबर 4 नंबर के लिए सवाल आ जाता है। आप यूं समझ लें कि एक शॉर्ट क्वेश्चन टाइप यहां से पूछ सकता है, और ग्रिड जो उसकी है ग्रिड बी, वहां पे 2 3 4 5 है, तो सबसे इंपॉर्टेंट 4 है उस ग्रिड में, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 5 है। तो 4 3 2 5, तो ये थर्ड के आसपास है। मगर यहां से 3 नंबर 4 नंबर 2 नंबर 5 नंबर के लिए सवाल निकल सकता है, और अगर सवाल ना पूछे तो वो कोई ना कोई एमसीक्यू बड़ा टेस्ट कर सकता है 2 नंबर के लिए 3 नंबर के लिए, एमसीक्यू पूछ सकता है चैप्टर में से। तो चैप्टर की टेस्टिंग तो होनी है, चैप्टर की टेस्टिंग तो होनी ही होनी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। सो दैट वॉज इट। हम लोगों ने तसल्ली के साथ चैप्टर नंबर 2 के पास पेपर्स को डिस्कस किया, और चैप्टर हमारा एंड होता है, कल इसका टेस्ट हो जाएगा। अच्छा, टेस्ट के लिए एक बात आपको बतानी है कि अगर आप लोग फिजिकल टेस्ट देना चाहते हैं तो आप SBI आके 2:15 से 3:15 स्कूल ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस में आके 2:15 से, एक सेकेंड, 2:15 से 3:15 फिजिकली भी टेस्ट सबमिट करवा सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन देना चाहते हैं तो आपको टाइम वगैरह और वो सारी चीजें कम्युनिकेट कर दी जाएंगी, आप उस टाइमलाइन के अंदर अपने टेस्ट को सॉल्व करके रिटर्न कर दीजिएगा। सो दैट वाज इट, चैप्टर 2 हमारा खत्म होता है, कल आपका टेस्ट हो जाएगा। मंडे वाले दिन वी विल बी स्टार्टिंग चैप्टर 3, टेस्ट को डिस्कस कर लेंगे, एंड देन चैप्टर 3 के ऊपर मूव कर जाएंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।